मेरा एक बड़ा नम्रता से एक निवेदन ये है कि जो प्रशासनीय सेवा है, प्रशासकीय सेवा है, आईएएस है, इंडियन भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इसमें काम करते हुए जब आप एक सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और जनता के प्रश्नों को आप निवारण करने का प्रयत्न करते हैं, तो जो आपके पास जब आप काम करते हैं जिलाधिकारी, जिलाधीश या आयुक्त या एक सचिव या प्रधान सचिव या मुख्य सचिव या कोई महानगर पालिका आयुक्त, उस टाइम जो आपके पास जो लोग आते हैं काम के लिए, मेरा अनुभव है कि वो कई सालों से कई चक्कर मार रहे होते हैं, क्योंकि उनका काम किसी का जमीन का संपादन हुआ है उसको मुआवजा नहीं मिला है, वो 10 साल से भटक रहा है, किसी को रेशन कार्ड नहीं मिला है, किसी को कोई नौकरी का इशू है। तो जब तक आपका दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक नहीं होएगा, पॉजिटिव नहीं होएगा, जब तक आप ये निश्चय नहीं करेंगे कि इसकी जगह पर अगर मैं हूं तो मुझे कैसे लगेगा अगर मेरा काम ना हो, और मुझे कैसे लगेगा मेरा काम हो जाए, तब तक आप उसको आप एक डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो आप एकदम सकारात्मक आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, अगर आज दिन में अगर मेरे पास 10 विजिटर आएंगे जनता के, 10 में 10 का काम करने की कोशिश करूंगा, पूरा जोर लगा दूंगा उसका काम हो जाए, तभी कुछ ना कुछ होएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ कागज लेके आगे कर देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। इसके अलावा कोई भी काम जो है बिना कोई रिस्क लिए होता नहीं है। अगर आप बोलो मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी, कल मुझे इंक्वायरी हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। आपको कामयाब होने के लिए रिस्क लेनी पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और कभी कोई, जैसे अभी हमने एक, मैं उदाहरण देता हूँ कि हमें अभी रेमडेसिविर के वायल लेने थे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल को 500 रुपए के हिसाब से वायल 56,000 लिए। जब मेरा टेंडर खुला तो 1,550 रेट आ गया 4 दिन बाद, ऑलमोस्ट 300% ऊपर था। सभी लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि साहब ये आप 2 लाख वायल ले रहे हो, इसमें 13 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा बीएमसी का, और अगर इसकी बहुत बड़ी एक स्कैम बन जाएगा। परंतु मैंने 10 मिनट में MD से बात की, जो कंपनी का माइलन कंपनी बेंगलोर, वो बोलता साहब हमारे पास शॉर्टेज बहुत है, हम अगर आपने मुझे 2 घंटे के अंदर वर्क ऑर्डर नहीं दिया तो कल मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, इस रेट्स पे नहीं दे पाऊंगा। तो हमने फाइल में लिख दिया इमीडिएटली, मैंने अपने हैंड राइटिंग में, सेड मेरे पास 2 ही चॉइस हैं कि आज 21,000 लोग मेरे हॉस्पिटलों में इस दवाई की राह देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये 13 करोड़ का खर्चा है और ये इंक्वायरी हो सकती है। आई सेड मैं चूज करूंगा लोगों की जान बचाने, तो आई सेड आई विल चूज टू सेव ह्यूमन लाइव्स। तो मैंने किया और उसको अपने मोबाइल फोन से, अपने व्हाट्सएप से उसको वर्क ऑर्डर मैंने आधे घंटे में भेज दिया। उसके बाद में ऐसा हो गया कि हमारे पास 2 लाख वायल थे, जब अप्रैल के 15 अप्रैल के बाद में अप्रैल मई में सुनामी की तरह पूरे देश में कोविड आ गया। तो मेरी ये दावा है कि पूरे देश में 2 लाख जो हमारे पास वायल थे, बाकी स्टेट्स के पास 2,000 भी नहीं थे, और हमारा स्टेट का वो टेंडर जो था 56,000 का वो कोलैप्स कर गया, एक भी वायल सप्लाई नहीं हुआ। 15 मई को ये पोजिशन था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 0 वायल था, हमारे पास 2 लाख थे। जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो काम होएगा नहीं, और वही जो टेंडर पहले कोलैप्स हो गया, हम अपने बाद में L1 बन गए, लोएस्ट हो गए। सो बिना रिस्क लिए कुछ होता नहीं है। तो मेरी सबको ये अपील है, आप पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि जो आपके सामने आ गया इसकी मैं मदद करूंगा, हर आदमी की मदद करूंगा, और मैं रिस्क लेके काम करूंगा इसका, फिर आपको डिलीवरी मिलेगी।